गपशप में अब तीसरा मुद्दा है संघ के संगठनों का भला अब क्या मतलब। केंद्र में जब भी भाजपा की सरकार बनती है तो पार्टी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्तों को लेकर खूब चर्चा होती है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है कि सरकार संघ के एजेंडे पर काम कर रही है। आजकल यही आरोप राहुल गांधी लगाते हैं। वे हर जगह कहते हैं कि उनको संघ की विचारधारा के खिलाफ लड़ना है। वे हर जगह कहते हैं कि देश की सारी संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, वहाँ संघ के लोगों को बैठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि देश की हर संस्था में संघ का एक आदमी बैठा है। हो सकता है कि संस्थाओं में संघ के लोगों की नियुक्ति हुई हो। आखिर केंद्र सरकार को कहीं न कहीं से तो लोग लाकर संस्थाओं में रखने हैं, तो संभव है कि संघ से लोग लाए गए हों। लेकिन इन लोगों का नीतिगत मामलों में कोई दखल होता है या कोई बड़ा ये फैसला करते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे संघ की ओर से नियुक्त कराए लोग हो या संघ के संगठन हो, उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। सारे नीतिगत फैसले सरकार करती है और उसका संघ की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता है। तभी संघ की संस्थाएं आर्थिक नीतियों से लेकर कृषि नीति, श्रम नीति, विनिवेश नीति आदि का विरोध करती आई है और सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक जमाना था जब स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल जैसे संगठन खूब सक्रिय थे। देश भर में लोग अशोक सिंगल और प्रवीण तोगड़िया को जानते थे, लेकिन आज किसी को पता नहीं है कि ये संगठन फिलहाल कौन चला रहा है, इनका एजेंडा क्या है और कार्यक्रम क्या है। मिसाल के तौर पर जरा स्वदेशी जागरण मंच को देखें। वैश्वीकरण के हल्ले के समय इसका गठन किया गया था। दत्तोपंत ठेंगड़ी, मदन दास देवी, एस गुरुमूर्ति आदि के साथ मुरलीधर राव भी इसमें शामिल थे। भाजपा में जाने से पहले उन्होंने कई साल इस संगठन को चलाया, लेकिन आज मुरलीधर राव कहाँ है और ये संगठन कहाँ है। इस संगठन का गठन देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे कारोबारियों को बचाने के लिए हुआ था। इसने आर्थिक मामलों में जितनी राय दी, जो सुझाव दिए, लगभग सब मोदी सरकार ने कूड़ेदानी में फेंक दिए। सरकार ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। स्वदेशी जागरण मंच ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने का विरोध किया था। मंच का कहना था कि एयर इंडिया के पास बेहिसाब संपत्ति है और सरकार को उसमें से कुछ संपत्ति बेचकर पैसे का इंतजाम करना चाहिए ताकि एक राष्ट्रीय विमानन सेवा चलती रह सके, मगर सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधे सीधे राष्ट्रीय विमानन कंपनी को लगभग मुफ्त में टाटा समूह को दे दिया गया। इसी तरह स्वदेशी जागरण मंच बरसों से इस बात का आंदोलन चला रहा है कि चीन की कंपनियों को भारत में ठेका देना बंद करना चाहिए। चीन के साथ कारोबार कम करने के लिए मंच का आंदोलन चलता रहा है, लेकिन सरकार उल्टे ज्यादा से ज्यादा ठेका चीनी कंपनियों को दे रही है और चीन के साथ भारत का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। भारी घाटे के बावजूद चीन के साथ भारत का कारोबार पहली बार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हुआ है। चीन की कंपनियां भारत में खुलकर कारोबार कर रही हैं। यहां तक कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी चीन के निवेश वाली कंपनियों को अब जगह मिली है। ऐसे ही मंच ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को रोकने के लिए आंदोलन किया। उनका कहना था कि इससे देश के छोटे कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन रोकने की बजाय विदेशी रिटेल कंपनियों को कई तरह की छूट दी गई। स्वदेशी जागरण मंच चाहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां न आए। मंच चाहता है कि इंडिया नाम समाप्त करके सिर्फ भारत नाम रखा जाए। मंच चाहता है कि छोटे कारोबारियों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन सरकार को इन सब बातों की परवाह नहीं। यहाँ तक कि स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबी भारत का नारा भी प्रधानमंत्री ने नहीं अपनाया, उसकी जगह आत्मनिर्भर भारत कहा गया। गपशप में अगला शीर्षक है, कौन पूछता है मजदूर संघ को।
संघ के एक और संगठन का नाम है भारतीय मजदूर संघ। यह दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन माना जाता है, लेकिन मजदूर हित की एक भी बात यह संगठन सरकार से नहीं मनवा पाता है। इसके आंदोलन करने का भी कोई असर सरकार पर नहीं होता है। जैसे भारतीय मजदूर संघ ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को उसका IPO लाने और शेयर बेचने का भारी विरोध किया था, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं। BMS ने एयर इंडिया बेचने का भी विरोध किया था, उसने नोटबंदी का विरोध किया था और कहा था कि इससे करोड़ों मजदूरों का रोजगार समाप्त हो गया। लेकिन उससे क्या हुआ, भारतीय मजदूर संघ ने 3 श्रम कानूनों का विरोध किया और कहा कि इसे जल्दबाजी में पारित किया गया है। ये कानून अभी लागू भले नहीं हुए लेकिन पारित हो चुके हैं। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% विदेशी निवेश के विरोध में इसने बड़ा आंदोलन किया, साथ ही मजदूरों की सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए भी आंदोलन चलाया, लेकिन सरकार ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन भारतीय किसान संघ भी है, इसने किसानों से जुड़े अनेक मुद्दे उठाए लेकिन किसी पर अमल नहीं करा सका। भारतीय किसान संघ चाहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने। यही मांग संयुक्त किसान मोर्चा की भी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। MSP पर विचार के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें भारतीय किसान संघ के लोग भी शामिल हैं, लेकिन उसमें MSP पर खरीद की गारंटी के बारे में कानून बनाने पर विचार नहीं होगा। बहरहाल भारतीय किसान संघ चाहता है कि गेहूं की फसल पर सरकार किसानों को बोनस दे। उसने प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद पर ₹500 बोनस देने की मांग की है, ताकि निजी कंपनियों की खरीद को रोका जा सके और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। लेकिन इस सरकार ने कई साल पहले ही बोनस का सिस्टम बंद कर दिया और अब इसे शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। भारतीय किसान संघ किसानों को लाभकारी मूल्य देने की मांग करता है, लेकिन आज तक वह फैसला कराने में भी कामयाबी नहीं ले पा रहा है। गपशप का अगला शीर्षक है सत्ता के लिए विचारधारा को लात। आज से 42 साल पहले जब भाजपा का गठन हुआ था, तब इसके कई नारों में एक नारा था, पार्टी विथ डिफरेंस। भाजपा अपने को सबसे अलग पार्टी बताती थी। हाल के दिनों तक पार्टी की वेबसाइट खोलने पर प्रमुखता से यह वाक्य लिखा दिखता था, लेकिन अब इसे वेबसाइट से हटा दिया गया है, क्योंकि अब भाजपा बाकी पार्टियों से अलग पार्टी नहीं है। वह बाकी पार्टियों की तरह ही एक पार्टी है जिसके लिए सत्ता सबसे अहम है और विचारधारा उसके बाद की चीज है। सोचे कुछ दिन पहले तक क्या स्थिति थी, भाजपा में बाहर के लोगों की एंट्री नहीं होती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रशिक्षण लिए हुए लोगों के लिए ही पार्टी में जगह थी। अगर दूसरी पार्टी से कोई नेता भाजपा में शामिल होता था तो उसे कोई पद हासिल करने के लिए बरसों इंतजार करना होता है। पार्टी का पूरा नजरिया शुद्धतावादी का था, लेकिन अब विचारधात्मक आग्रह खत्म हो गया। पार्टी ने शुद्धतावादी नजरिया छोड़ दिया। अब ऐसे हर नेता का पार्टी में स्वागत है जो पार्टी को सत्ता दिलाने में मददगार हो, फिर चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो और वह किसी भी विचारधारा का आदमी हो। उसे न सिर्फ पार्टी में शामिल किया जा रहा है, बल्कि सत्ता और संगठन दोनों में ऊंचे स्थान पर बैठाया जा रहा है। थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन ऐसा सचमुच में लग रहा है कि कांग्रेस युक्त भाजपा को बनाया जा रहा है। अब तक भाजपा के नेताओं का समर्पण पार्टी और उसके सर्वोच्च नेता से ज्यादा RSS के प्रति होता था। नागपुर से पार्टी के नेता संचालित होते थे, लेकिन जो नेता दूसरी पार्टियों से लाए जा रहे हैं और ऊंचे पदों पर बैठाए जा रहे हैं उनका संघ से कोई नाता नहीं है, इसलिए संघ के प्रति कोई समर्पण भी नहीं है। वे नागपुर और RSS की बजाय मोदी व शाह के प्रति समर्पित है। पूर्वोत्तर में 2014 से पहले भाजपा काफी कमजोर थी और सरकार में नहीं थी, लेकिन RSS ने बरसों की मेहनत से पूर्वोत्तर में जमीन तैयार की थी। संघ के अनेक नेता पूर्वोत्तर में काम करते थे, लेकिन अब
पूर्वोत्तर की पूरी राजनीति संघ के हाथ से लेकर हिमंता बिस्वा सरमा को सौंप दी गई है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में हिमंता बिस्वा सरमा के हिसाब से काम होता है। वे राज्यों के बीच सीमा विवाद भी सुलझा रहे हैं, अलगाववाद की समस्या भी सुलझा रहे हैं और राजनीतिक समीकरण भी बनवा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में गठबंधन और भाजपा की सरकारों का गठन उनके प्रयासों से होने लगा है। वे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और तरुण गोगोई की 15 साल चली सरकार में भी मंत्री थे। उस दौरान उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे। उनकी इस पृष्ठभूमि के बावजूद भाजपा ने न सिर्फ उनको पार्टी में लिया बल्कि स्वयंसेवक सर्बानंद सोनावाल को हटाकर उनकी जगह शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की पेमा खांडू अब भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। पहले पेमा खांडू और उनके पिता दोराजी खांडू दोनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। इसी तरह मेघालय में कांग्रेस और एनसीपी में रहे दिवंगत पीए संगमा के बेटे कॉनरेड संगमा के साथ भाजपा का तालमेल है। भाजपा के सहयोग से संगमा मुख्यमंत्री है। त्रिपुरा में भाजपा ने जिन मानिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया है वे 4-5 साल पहले तक कांग्रेस छोड़ में थे और भाजपा में बाद में शामिल हुए। पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता रहे विप्लव देव को हटाकर उनकी जगह कांग्रेस से आए मानिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे ही नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी कांग्रेस की राजनीति से ही निकले हैं। दक्षिण भारत के सिर्फ एक राज्य कर्नाटक में भाजपा सरकार बी एस येदियुरप्पा के प्रयासों से पहली बार कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनी। किसी जमाने में येदियुरप्पा राज्य के इकलौते विधायक होते थे और वहां से उन्होंने पार्टी को सत्ता में पहुंचाया। वहां पर भाजपा ने जनता दल से आए नेता बासवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना रखा है। उनका भी संघ से कोई कनेक्शन नहीं है और न संघ के लिए कोई प्रतिबद्धता है। कम से कम 4 मुख्यमंत्री तो ऐसे हो ही गए हैं जिनका संघ के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा संगठन के अनेक नेता राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और सरकारों के मंत्री व केंद्र सरकार के मंत्री भी ऐसे हैं जिनका संघ से संबंध नहीं रहा है। वे दूसरी पार्टियों से आए हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में सक्रिय थे। कोई खिलाड़ी था, कोई फिल्मों में काम करता था, कोई यूट्यूबर था, उनको लाकर पार्टी में अहम जिम्मेवारी दे दी गई। इन सब का कोई विचारधारा से जुड़ाव नहीं है, लेकिन ये सत्ता दिलाने या पार्टी की ताकत बढ़ाने में भागीदार है तो इनको महत्व की जगहों पर रखा गया। आज भाजपा हर दिन किसी न किसी विवाद में फंसती है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होती है, तो इसका कारण ऐसे नेता ही है जो बिना किसी प्रतिबद्धता के और राजनीतिक ट्रेनिंग के है। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।